हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, नॉर्थसाइड 5 का जो रिजल्ट है यानी कि स्टेज फर्स्ट का वो आ चुका है, तो उसमें जो इंडिविजुअल स्कोर है वो किस प्रकार से निकाले, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों के कमेंट आ रहे थे कि सर इंडिविजुअल स्कोर निकालना है, हमारा इंडिविजुअल स्कोर देखना है कि कितने हमारे परसेंटाइल बने हैं। लिस्ट में नाम तो नहीं आया है लेकिन हमारी परसेंटाइल देखना है, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं अपडेट है वो देने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अपना जो पर्सनल स्कोर है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको गूगल क्रोम पर या फिर गूगल पर सर्च करना है aims.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे और स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर का आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, नर्सिंग ऑफिसर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप नर्सिंग ऑफिसर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास देख लीजिए फर्स्ट जो यहाँ पर वेबसाइट है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबल टेस्ट नॉर्थसाइड 5, यानी कि नॉर्थसाइड 5 के ऊपर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नॉर्थसाइड 5 के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपके इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसके अंदर होम दिखाई देगी, नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इंट्रोडक्शंस दिखाई देगा, अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आईडी पासवर्ड है वो लगाने हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव द ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट आईडी पासवर्ड यहाँ पर लगा सकता है। अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं उनके पास आईडी पासवर्ड हैं, वो अपना पर्सनल स्कोर देखना चाहते हैं, तो अपना क्या करें, आईडी पासवर्ड यहाँ पर लगाएं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट की आईडी यहाँ पर दी गई है, तो आपको यहाँ पर आईडी लगाना है। पासवर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है तो आपको यहाँ पर पासवर्ड लगा देना है। और एंटर कैचअप, एंटर यानी कि काफ़ी डाउट आता है कि एंटर कैचअप में क्या लिखें, तो ये नीचे आपको जो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चार अंक दिखाई दे रहे हैं, यही क्या है, एंटर कैचअप के अंदर आपको इस बॉक्स का जो भी संख्या होगी वो आपको यहाँ पर एंटर कैचअप के अंदर लिखनी है, ठीक है। और इसको लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, फाइनली आपको यहाँ पर जो लॉगिन है, लॉगिन का ऑप्शन है, इस लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है, जो 7 स्टेज हैं वो दिखाई देंगे, और साइड में यानी कि इस साइड में आपको यहाँ पर जो रिजल्ट है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो रिजल्ट इस प्रकार से दिखाई देगा, स्टेज फर्स्ट रिजल्ट यहाँ लिखा है, स्टेज सेकंड रिजल्ट यहाँ लिखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्टेज फर्स्ट रिजल्ट लिखा है इस स्टेज फर्स्ट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है लॉगिन के बाद में, और वहाँ से जाके अपना स्कोर आपके पास आ जाएगा, यानी कि आपकी परसेंटाइल आ जाएगी और आपका कंप्लीट यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यह अपडेट आपको देनी थी क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों के कमेंट आ रहे थे सर इंडिविजुअल स्कोर हम किस प्रकार से देखें, तो मैंने इंडिविजुअल स्कोर की 1x1 स्टेप आपको बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय।